भाई भाई भाई, क्या बात है? क्या हुआ? आज तो आप बहुत जच रहे हो। लगता है तुम्हें पैसे चाहिए। नहीं नहीं, वैसे कोई बात नहीं है। देखिए, मैं क्या सोच रही थी, बहुत दिन हो गया हम कहीं घूमने ही नहीं गए। अभी सुमित्रा जा रही है अगले मंथ घूमने, शशिबेन जा रही है उसके अगले मंथ घूमने, हम चले के इस मंथ घूमने। हाँ वैसे बात तो बराबर कर रहे हो, बहुत दिन हो गया हम कहीं घूमने नहीं गए। है ना, चलते ना कहीं, बच्चों को भी मन लग जाएगा और हमें भी थोड़ा सा एंजॉय करने का मौका मिल जाएगा। चलो चलते हैं। कहाँ पे चले? गुलाबी चौक। उससे अच्छा तो हम यहाँ नुक्कड़ पे जाते, 500 मीटर करीब पड़ेगा हमारे, और वहाँ वो समोसे वाला है, वहाँ पे समोसे ठूसना लाल लाल चटनी के साथ। मैंने सोचा कहीं गोवा माओ चलते हैं, पर नहीं। शर्मिला, मुझे इतनी छुट्टियाँ नहीं मिलती 2-3 दिन के लिए जाने के लिए। रहने दीजिए, आपका हर टाइम का ही है, कहीं 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 घूमने लेके जाते। शादी के बाद बस एक बार गए थे महाबलेश्वर। एक मिनट। हाँ बोलिए, क्या बात कर रहे? हाँ आइए ना, आइए आइए। अरे आपको मैंने कब मना किया है? कोई आ रहा है क्या हमारे यहाँ पे? ये देखिए, मैं अभी बता रही हूँ, कोई नहीं चलेगा मुझे घर में। हाँ आ जाइए आ जाइए। अच्छा वो भी आ रहे हैं क्या साथ में? कौन है? ठीक है ठीक है ठीक है, नहीं मैं घर पे ही हूँ। हाँ घर पे ही हूँ मैं। हाँ वो मेरे बचपन के दोस्त नहीं? मुझे क्या पता आपके बचपन के दोस्त, मैं नहीं थे आपके बचपन में। सॉरी, वो कुलकर्णी जी है ना, उनके बेटे, वो आ रहे। क्यों आ रहे? क्यों आ रहे क्या, क्यों आ रहे? मेरे दोस्त थे, वो मुझसे मिलने आ रहे। 10 साल हो गए, एक साथ काम पे लगे थे हम। उनके अभी 4 बंगले, 1 फार्म हाउस, 2 गाड़ियाँ, बुलेट भी है, और आप 2 BHK में अभी भी रह रहे हो। गया, अभी वो आ रहे हैं, उनके साथ उनका एक दोस्त भी आ रहा है। आगो भाई, अकेले आने का, किसी और को साथ लेके आने की क्या जरूरत है? आने दो ना, क्यों तकलीफ हो रही हो तुम्हें? हमारा घर के धर्मशाला है, कोई भी उठ के चला आता है। खुद की दोस्त आती है वो चलता है, वो तो पूरी ऐसी मधुमक्खियों की टोली लेके आती है, वो चलता है। मेरे 2 ही दोस्त आ रहे। अच्छा अच्छा, आप एक काम ही कीजिए ना, जितने भी आपके सब स्कूल के कॉलेज के छोटे बड़े दोस्त हैं ना, उन सबको बुलाइए, सबके लिए चाय नाश्ता पानी करती हूँ, काम वाली हूँ ना मैं घर की। बस बस, अभी वो आ रहे, उनको मैं ऐसे मना नहीं कर सकता, एक तो 10 साल बाद मिलेंगे हम। नहीं नहीं बुलाइए, और बुलाइए सबको। तो एक काम करता हूँ, सुशील को भी बुला लेता हूँ। हाँ सुशील। हाँ वो अभी ना, वो आपको पता है ना मेरा वो, हाँ वो कुलकर्णी अप्पा का बेटा है, वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, वो आ रहा है, तो आप भी आइए। हाँ आ जाइए हमारे घर। हाँ आपको तो साइड में ही रहते आप। हाँ रील्स कर रही थी थोड़ा सा, कोई कैसे उन्हें ये समझ आए। माँ मैनर्स ले घोड़े, वो मेरे दोस्त आ रहे हैं। दोस्त आ रहे? हाँ क्यों आ रहे? आप भी क्यों, क्या क्यों माँ, वो आपको कुलकर्णी अप्पा ने, उनके बेटे आ रहे। अच्छा। हाँ और उनके साथ उनका भी दोस्त आ रहा है। अकेले ही आता, दोस्तों को साथ लेके आने की जरूरत क्या है? आप भी शर्मिला जैसी बातें करने लगे। माँ अभी ना आपको ये रूम खाली करनी पड़ेगी। खुली क्यों करनी है? नहीं वो मेरे दोस्त आएंगे ना, तो वो यही बैठेंगे, और आप ऐसे यहाँ पे घोड़े पे सवार। मेरी वजह से क्या डिस्टर्ब होगा उनको? नहीं वैसी बात नहीं कर रहा मैं, पर आपको डिस्टर्ब होगा ना उनकी वजह से। नहीं मुझे सब पता है, तू जानबूझ के मुझे यहाँ से भगा रहा है, तुझे लग रहा है मैं उनको डिस्टर्ब करूंगी? नहीं नहीं माँ, आपकी वजह से हमें क्यों डिस्टर्ब होगा, आपको अगर बैठना हो तो बैठिए, कोई तकलीफ नहीं। आपको तो मैं डिस्टर्ब ना हूं इसलिए बोल रहा था, आप यहाँ से जाइए। पापा का कोई टेंशन नहीं, पापा तो अभी चले जाएंगे मंदिर। नहीं जा रहा हूँ मैं, सुबह ही जाके आया हूँ। ठीक है पापा, अगर आपको बैठना हो हमारे साथ तो बैठ सकते हो, मेरे पास में ये इतना टाइम। हाँ कहीं तेरा कोई प्लान तो नहीं? नहीं पापा क्या बोल रहे हो आप, कोई प्लान नहीं करेंगे, अभी घर है, बाहर होता तो ठीक, बाहर भी नहीं करता पर घर में बिल्कुल नहीं, बच्चे हैं। सच बोल रहा है ना? आपको अगर शक है तो CCTV कैमरा लगा दो। जा रही हूँ मैं, कर तो एंजॉय, माँ की तकलीफ होती है। मैं भी आता हूँ, मुझे बहुत सारे काम है। हेलो। हाय कैसे हो? मैं ठीक हूँ, ये मेरा दोस्त है। अच्छा ये आपके दोस्त, हेलो नमस्ते, आपसे मैं मिल चुका हूँ। न्यू ईयर की पार्टी भूल गया तू? पार्टी अभी वो रात एक बार चढ़ जाती है तो क्या फिर कोई याद नहीं आता। आइए ना अंदर आइए।
चलो चलो। बैठिए बैठिए बैठिए। और बताए कैसे हो आप? मेरा तो सब ठीक चल रहा है, तेरा कैसा चल रहा है? हो गया, तेरे भाई के दोस्त आए मैनरलेस। ये भैया को ना कुछ समझ में नहीं आता, कितनी बार बोला है अपने दोस्तों को घर तक मत लेके आया करो। मैं लाती हूँ क्या अपने दोस्त? मेरे कोई दोस्त ही नहीं। अच्छा खासा रील्स कर रही थी, रील्स भी नहीं करने दिया। सासू माँ नहीं, दोस्तों को घर बुलाने की क्या जरूरत है? ऑफिस के दोस्त है, ऑफिस तक सीमित रहे, घर में उनकी सीमा क्यों बढ़ा रहे हैं? तेरी भी तो दोस्त आती है, तब तू उनके साथ ऐसे गपशप मारती है। और नहीं तो क्या भाभी, आप तो बोलिए मत, आपकी सहेलियां मुझे सब पता है। हमारी सहेलियों की अलग बात है सासू माँ, हम सब अच्छे खानदानों से होती है, इनके दोस्त है फालतू। मम्मी एक काम करें, हम उनको डिस्टर्ब करते हैं, अगर हम उनको बार बार डिस्टर्ब करेंगे तो उनके दोस्त अपने आप चले जाएंगे। डिस्टर्ब? हाँ ये आइडिया अच्छा है, डिस्टर्ब करते उनको। हाँ भाभी, वैसे भी आपको आदत है लोगों को डिस्टर्ब करने की। ठीक है मैं समझ गई, सबसे पहले मैं जाती हूँ डिस्टर्ब करने के लिए। बच्चों का क्या चल रहा है? बच्चे भी एकदम ठीक है, उनका क्या चल रहा है? स्टडी चल रही है, सब चल रहा है। बेटा, ए बेटा। माँ क्या हुआ? ओ मेरा कार्ड यहाँ पे रह गया क्या? कार्ड नहीं, आपका यहाँ पे कुछ नहीं है माँ। तू जहाँ पे बैठा है वहाँ पे होगा, देख कौन आया है। हे बीबल। हेलो नमस्ते। अरे गिर गया, रुको। माँ संभल के। मिल गया क्या? How are you all? सब ठीक है माँ, सब ठीक है। ये मेरी पहचान करा? हाँ ये मेरी माँ। ओ और कौन है उसके साथ? हेलो नमस्ते। क्यों आया रे तू? कैसे है बेटा? नहीं है माँ यहाँ पे। ए तुम जहाँ पे बैठे हो वहाँ पे जरा देखो तो। नहीं इधर तो कुछ नहीं है, वो वहाँ नहीं है क्या? ए बेटा चलो कोई बात नहीं है, एंजॉय, सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग। हाँ भैया। हाय। ये कौन आपका भाई? नहीं नहीं नहीं, वो मेरी बहन है जापान वाली। अच्छा, ओ तो यही गई थी ना वो जापान? यही? हाँ मैं गई थी जापान। जापान जाके क्या किया? हो गया मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट। भी आगे क्या सोचा है? आगे का देखते हैं, अभी कुछ सोचा नहीं मैंने, पर जॉब अभी ढूंढ ही रही हूँ मैं। अब भैया क्या हुआ बोल? क्या बोलने आई थी, एक मिनट। हाँ फिर अंदर बात कर रहा हूँ मैं, याद कर रही हूँ भैया। ओके मैं भूल गई, आती हूँ फिर। ओ याद आ गया। हाँ मैं क्या बोल रही थी भैया? बोल जल्दी। नहीं भैया रुको, बाद में आती हूँ, आप एंजॉय करो। मैं क्या बोल? हाँ भैया सॉरी आपको डिस्टर्ब कर रही हूँ, पर मुझे कुछ बहुत जरूरी बात करनी है भैया। याद करना जल्दी, बाद में ही करते हैं, आप बातें कर रहे हो, मैं क्यों आपको डिस्टर्ब। हाँ तुम बॉयकॉट। अभी मैं ये सोच रहा था ना, वैसे हाय भाभी जी को नहीं ले आप साथ में, अकेली आए? नहीं वो बिजी होती है ना इसलिए नहीं आ पाई। अच्छा थोड़ा थोड़ा उधर में ना बैठती हूँ मैं यहाँ पे। क्यों बैठना है तुम्हें शर्मा? आप बचपन से एक साथ ही क्या? हाँ बचपन से हम साथ में ही पढ़े, सब साथ में ही किया। जाओ ना किचन में काम करो। बात करने दीजिए ना मुझे भी थोड़ा सा, क्या होता है इनके बचपन में कैसे थे ये? मुझे तो बता रही थी मैं बचपन में बहुत अच्छा था, संस्कारी था। सच में संस्कारी थे बचपन में? अरे एक नंबर का मवाली था आपका पति। और क्या क्या करते थे बचपन में? लव लेटर लिखता था वो प्रांजल को, हमारी साइड वाले बेंच पे बैठती थी। क्या और कोई भी थी क्या? अभी मैं था तब एक ही थी, अभी हमारे अलावा हमारे पीछे पता नहीं कितनी होंगी। बचपन की बातें, हमने भी बचपन गुजारे, हमारा कोई नहीं था। आप कहीं क्या बोलते हैं जाने दो। और कुछ बताइए इनके बारे में, क्या क्या करते थे ये? और अरे और तू मरवाएगा क्या मुझे? भैया अकेले में देखती हूँ आपको, भाई साहब चाय रखती हूँ मैं। आज रात तो मैं गया, अभी रुक मेरी बारी आएगी, भाभी जी को मैं सब बता दूंगा, तू देख। हेलो ब्रो, आ जाओ सुशील। हाँ भाई अब और कौन आ गया? श्रेया। ये श्रेया। क्या हुआ मम्मी? पापा के दोस्त है। क्यों आए पापा के दोस्त? आपको भी ना मना करना चाहिए था ना। जाके देख मुझे ऐसा लगता है दो तीन दोस्त और बढ़ गए, पहले दो ही बैठे थे
अभी पता नहीं कितने हो गए मुझे चाय रखने, जाके देख कितने दोस्त हैं। देखती हूँ। वन मिनट। क्या हुआ श्रेया? कुछ नहीं पापा, कुछ नहीं। और बताइए। मी दो लोग आए। दो ही है क्या? कोई आया था क्या यहाँ पे? सुशील भाई भी आए। क्या कुछ भी बोलती है तू, गलत इन्फॉर्मेशन देती है। अगर एक कप चाय कम पड़ गया तो जा। ए रुक रुक, क्या हुआ? चाय भी लेके जाना। नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगी। मैं जाऊँ क्या चाय लेके? नहीं साथ अच्छा लगते हैं उनके बीच में, चाय लेके जाना। तू जा चाय देखिए, बहुत खूबसूरत हूँ मैं, नज़र लग जाती है मुझे लोगों की। चुड़ैलों को कब से नज़र लगने लगी? चुप बैठ, आ गए मम्मी, इसको भेजो, मैं नहीं जा रही। ए सुन रहे, चाय दे क्या? ये तो कुछ नहीं, मेरे पापा जो है ना एक नंबर के। एक नंबर के क्या? बहुत एक नंबर के है वो, अच्छे, इतने अच्छे, पूरे वर्ल्ड के एक नंबर पापा है मेरे, बहुत अच्छे। नमस्ते अंकल। पापा ये कुलकर्णी अप्पा का बेटा। पहचाना मुझे? मैं कुलकर्णी अप्पा का बेटा। पता है मुझे, तेरे पापा ने कितना बड़ा नाम किया, 201 लोगों की शादियां की, और बेटा वही शादियां तोड़ रहा है। शराब की दुकान डाली है, शराब बेच रहा है। बहुत बुरा किया तुमने, ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे लगा तू कुछ और करेगा, ये क्या शुरू कर दिया? तेरी वजह से मेरा बेटा भी बिगड़ गया। पापा चाय। क्या हुआ सुन भाई? कुछ नहीं था सुरजी, ये इनके दोस्त अभी 2 घंटे हो गए ना। अब तक गए नहीं क्या वो? नहीं गए अभी तक। काम करो, अपना ब्रह्मास्त्र दिखाओ। बहुत मुश्किल है, बहुत बहुत मुश्किल है इनके साथ रहना, फिर भी मैं काट रहा हूँ दिन। तेरी फैमिली तो 8वां अजूबा है। वैसे अभी आ गए हो तो कुछ खा पी के जाओ। नहीं अभी कुछ नहीं खाएंगे। नहीं नहीं मेरे घर में आए हो ना तो आपको खा पी के जाए ठीक है, अगर नहीं खाना तो चलेगा। ठीक है तो इतना बोलते हैं तो खा के जाते हैं क्यों? नहीं नहीं आपने पहले नहीं बोला था ना नहीं खाते, और वैसे भी अगर हम बाहर जाते, बाहर जाके कुछ खाते तो कुछ और करने का मौका भी मिलेगा। हाँ ये बात भी बराबर है, बाहर एंजॉय करने को मिलेगा। चलो बाहर ही चलते। चलो 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 चलो। जा रहे हो भाई साहब? हाँ भाभी जी जा रहा हूँ, आऊंगा फिर कभी। कुछ और देर रुकते हैं। ये तो बहुत अच्छा हो गया, अभी बाहर जाने का मौका भी मिल रहा है, थोड़ा सा एंजॉय भी कर लें। तुम तीनों जाओ, मैं नहीं आता। ए! सॉरी पापा सॉरी। होने तो मुझे अंदर।